पहला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत है। वर्ष 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है अबी अहमद अली। अबी अहमद अली जी को वर्ष 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो हैं वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत अल्फर्ट नोबल जी के नाम पर की गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह पहले जो है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 क्षेत्रों में कब से दिया जाने लगा, तो इसका सही उत्तर है 1968 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले भारतीय या पहले एशियाई का नाम बताइए जिसे नोबेल प्राइज़ मिला, तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहले भारतीय के रूप में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका सही उत्तर है श्री अमिताभ बच्चन जी को। श्री अमिताभ बच्चन जी को यह पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में का सर्वोच्च सम्मान है और यह भारतीय सिनेमा के विकास में जो उत्कृष्ट योगदान देता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के लिए वीर चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जी। अभिनंदन वर्तमान जी को वर्ष 2019 के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने F-17 विमान को, जो कि पाकिस्तानी था, उसको अपने भारतीय MiG-21 विमान से मार गिराया था। वायुसेना की अगर पूछा जाए स्थापना, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर को ही हम वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके न्यूली अपॉइंटेड जो अध्यक्ष हैं वो RKS भदौरिया जी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2019 का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रिया शेराव। प्रिया शेराव जी जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2019 का खिताब दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है, रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर फॉर सेंट एंड्री एंड द अपोस्टल से किस महान हस्ती को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको वर्ष 2019 का रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर फॉर सेंट एंड्री द अपोस्टल से सम्मानित किया जाएगा। रूस की बात की है तो रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है और उसकी करेंसी रूबल है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी रेलवे एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बजरंग पुनिया व दीपा मलिक, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाएगा। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट दीपा मलिक और एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को, इन दोनों को यह सम्मान संयुक्त रूप से दिया जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा। यह प्रश्न जरूर किसी न किसी आने आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के लिए मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है जी सतीश रेड्डी, जो कि GRDO के अध्यक्ष हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगर आपसे GRDO की फुल फॉर्म पूछती जाए तो इसका है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।